بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to my channel Rakshik Ideas Subscribe to watch it more खुशबू आ रही है इसमें से अम्मा की मेरी अम्मा की बिल्कुल वीआईपी है अम्मा के हाथ वाला जायका तो अम्मा की बेटी के हाथों में होगा ना माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबूएं आ रही हैं अम्मा वाली मजेदार है भाई समीना के मुंह में भी पानी आ गया चलें जी पानी को हम लोग छान के आ गए हैं कैरी रेडी है आज भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और ये मैंने करेले का छिलका रखा है ड्राई करने के लिए और ये हम लोग पकाते हैं बहुत मजे का बनता है राइस के साथ ऑलमोस्ट जो है अचार जो है रेडी है चलो इसको मिक्स करो अच्छी तरह से जोर से करो जान लगा के बस खोलो इसको अब हम जो है ना ट्राई करेंगे अचार माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबूएं आ रही हैं अम्मा वाली की निकालो इसको समीना मुझे तो मैं हाथ से निकालती हूँ हाथ से निकालती हूँ और इसको ट्राई करते हैं आज ये कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है जबरदस्त वाला भाई बहुत अच्छा कल से बादल हो रहे हैं तो गर्मी नहीं है इतनी चखो एक मिनट मजेदार है भाई समीना के मुंह में भी पानी आ गया और ये इतनी मजे की बनी है अम्मा वाला टेस्ट आ गया अम्मा वाला टेस्ट वाह भाई है ना कैसी बनी है जोर से बोलो बहुत मजे की और जोर से बोलो बहुत मजे के बहुत अच्छा बना आवाज सुनी भाई रुकशेक का तजुर्बा कामयाब अम्मा की रेसिपी जिंदाबाद और सब मेरी अम्मा के लिए दुआ करें अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे और उनकी मगफरत फरमाए और हम सबको भी अल्लाह ताला माफ करे अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स सब कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक होंगे मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ आ गया जी सब्जी वाला हम लोग रोज इससे सब्जी लेते हैं हमारे अपार्टमेंट के सारे लोग और ये बेचारा ऊपर आके देख के जाता है ये देखें बड़ी बड़ी कैरियां लेके आए सब्जी वाले कैरी कैसे दे रहे हो आज कैरी कैसे दे रहे हो कैरी अच्छी वाली अचार वाली दिखाओ एक दिखाओ ऊपर करके बिल्कुल वीआईपी है जूम करो जूम एक तो भाई सबको हलीमा की तरह ना वीडियो बनवाने का शौक है और ये देखें जी इस तरह से बड़ी बड़ी केरियां और थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए ये कर रही हैं कटिंग आंटी आंटी से करवा रही हूँ कटिंग अम्मा कहती थी अचार के लिए खास केरियां होती है जैसी आज ये लेके आए ऐसी केरियां इसके अंदर ना थोड़ी गुठली जो है सख्त हो चुकी हो ये इस तरह से जो कटे ना इस तरह की जो कैरी है ना ये परफेक्ट होती है फॉर अचार के लिए और अचार इसका बहुत अच्छा बनता है आई डोंट नो अम्मा कहती थी और अम्मा की बातें याद है मुझे और उस वक्त अम्मा कहती थी सीख लो बना लो सीख लो हम लोग कहते थे आप हो ना लेकिन पता नहीं चलता इंसान का चलें वही तजुर्बा करते हैं और इस आंटी ने मुझे ये काट के दी और इस तरह से मैंने बड़े बड़े पीसेस किए क्योंकि वहाँ पे मम्मा तो बाहर से कटिंग की हुई मंगवाती थी लेकिन मेरा अचानक से मूड हुआ तो मेरे सब्जी वाले के पास तो साबित कैरियाँ थे कटी हुई नहीं थी तो मैंने इसी से गुजारा कर लिया वैसे लुक तो बड़ी बड़ी कैरी का आता है ना बड़े बड़े पीसेस और इसको फिर हम लोग वॉश करेंगे अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन करके एक बड़े से पतीले में डाल देंगे या किसी भी बाउल में डाल देंगे ये वॉश करके मैंने एक बड़े से पतीले में डाल दिया है बिल्कुल रेडी है और इस तरह से ये कैरी होनी चाहिए भाई ये देखें भाई इस तरह से इसके अंदर की जो ये गुठली जो है ना वो सख्त हो गई हो इस तरह से सख्त हो गई हो और जी सारी जो कैरियाँ हैं वो नरम नहीं हो सॉफ्ट ना हो येलोइश ना हो जो आम के लिए तैयार होती है और 2 किलो मैंने कैरियाँ ली हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच नमक दो तीन
तीसरा जो था वो फुलनी था, और इसको मिक्स करेंगे। तीन चम्मच जी सॉल्ट के ऐड किए हैं और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है नमक जो है वो सारी आम पे सारे आम पे जो है अच्छी तरह से लग जाए, और इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि वो सब पर जो है अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि सॉल्ट से जो है मम्मा कहती है कि इसका खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद जी इसको अच्छी तरह से रखते हैं किसी भी जगह पर। मैंने तो अपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया है सजा कर। 5 से 6 घंटे आप इसको रख दें पूरे दिन के लिए। अभी मैंने रखा है सुबह के 11 बजे और रात को इस वक्त हो रहे हैं 8, तो सुबह से ये रखा हुआ था। और ये देखें केरियों ने इतना ज़्यादा पानी छोड़ा है, ये देखें ये पानी बिल्कुल खुश्क मैंने डाली थी और इतना पानी है। और इसको हम लोग छानी में छान लेंगे, अच्छी तरह से इसका पूरा जो पानी है वो रिमूव कर देंगे ताकि नमक वाला पानी बिल्कुल भी ना रहे, और इसको अच्छी तरह से ड्राई करके रेडी कर लें। चलें जी, पानी को हम लोग छान के आ गए हैं, केरी रेडी है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, और हरी मिर्च डालेंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है आई थिंक इसको क्या कहते हैं मम्मा डालती थी और किस तरह से डालती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तजुर्बा करूँगी, मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। और ये है अचार मसाला, और ये सिरका जो 2 चम्मच डलेगा जो मैं लेके आ गई ऑलरेडी, और थोड़ा सा पानी, और साथ में डलेगा सरसों का तेल। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जी मैं अचार मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 खाने के चम्मच, और ये आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। और उसके साथ मैंने डाली हैं 3 हरी मिर्चें बड़ी सी, बाजी जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया है, ये फ्रेश फ्रेश यूज़ कीजिएगा, रखा हुआ मत इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद हम मैं डाली हूँ गर्म मसाला, जिसमें है 4 लाल मिर्च, तेज पत्ता, 2-3 थोड़े से लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। और ये गर्म मसाला आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसके बगैर मजा नहीं करेगा। और ये हैं जो गोल गोल लेसुड़े, मम्मा तो लेसुड़े कहती थी, आई डोंट नो क्या कहते हैं। उसके बाद जी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, चम्मच से मुझसे नहीं हो रहा था तो मम्मा भी इस तरह से यूं यूं करती थी, मैंने भी मम्मा वाली चीजें की हैं सारी इसमें। और जी एक चीज मैं भूल गई, इसमें जी सौंफ और कलौंजी अलग से 1-1 चम्मच ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं थी तो मैं भाभी के यहाँ से ले आई थी, मसाले के अंदर ऑलरेडी ऐड कर ली थी, मेरा जी मुफ्ती वाला मसाला है। और ये है जी प्योर सुरका, जो खालिश सुरका होता है जिसमें पानी की मिलावट नहीं होती और ये बहुत तेज होता है, तो बहुत एहतियात से यूज कीजिएगा। ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और किसी को ज्यादा खट्टा पसंद है तो 3 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। चलें जी अब इसको जो है एक जार में डालेंगे, उसके बाद इसमें मजीद चीज़ें ऐड करेंगे। ये जार थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, और इसमें लगा मुझे फील हुआ कि इसमें सारी नहीं आएंगी, तो फिर मैंने इसका जार चेंज कर लिया, फिर दूसरे जार में डाला। चलें जी मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और आई थिंक इसमें आ जाएगा। और ये भी अम्मा ने दिया था, इसमें अचार बना के दी थी एक दफ़ा, और ये देखें जी इसमें सारा आ गया और बल्कि कुछ स्पेस भी है। चलें जी सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इसमें 1/2 ग्लास पानी, ताकि इसका शोरबा बने रस रस, सिंधी में कहते हैं रस बाबा साईं, रस रस खपे असा के न खपे बाबा साईं न खपे। और उसके बाद जी ये ऐड कर लें सिरका, बहुत एहतियात से डालेगा भाई, ये प्योर है। इसके बाद जो है लास्ट वाली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर मजा नहीं आता, मम्मा कहती है ये जो है ना सेव करता है अचार को, तो ये है सरसों का तेल, जो हमारे यहाँ आता है लाड़काना से, हम लोग मंगवाते हैं और बहुत अच्छा होता है। और इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, 3 से 4 चम्मच ऐड कर लें, अगर किसी को ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ऐड कर दें। उसके बाद हम लोग इसको मिक्स कर देंगे, जो चम्मच से मिक्स हो नहीं रहा था सही से, मैंने भी भाई ढक्कन चढ़ा के ना इसको अम्मा वाले तरीके झटके दिए, ऐसे झटके दिए ना अच्छी तरह से सारा मसाला सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। हाफ कैमरा मैन तो मेरे हस्बैंड हैं, और इनको कह रही हूँ इशारे से जूम करें जूम करें। और जी इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, जहाँ पर भी कहीं पर भी कवर करके अच्छी तरह से मैंने इसको यहीं रख दिया। और कल सुबह उठा के इसको धूप में रखेंगे, क्योंकि मम्मा कहती थी अचार को जो है 1-2 दिन धूप में रखें तो अच्छी तरह से पक जाता है। ये देखा जी रात को मैंने टेबल पे रख दी थी, अब इसको मिक्स करेंगे। वाओ इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसको अच्छी तरह से उठा के मिक्स करेंगे, उसके बाद ही मैं इसको रखूंगी धूप में, रोशनी में, रोशनी में। धूप तो नहीं है लेकिन हीट आ जाएगी भाई। आ गया आज भी सब्जी वाला भाई, हम लोग इससे सब्जी लेते हैं रोज, ऊपर देख के जाता है बेचारा, सबकी सब्जी एक साथ लेके और सबको पहुंचाता है भाई।
यार इसको दिन में 2 से 3 मरतबा घुमाते रहेंगे। चलो भाई आज एंजॉय करो आज। मेरी मेरी गर्मा गर्मा चाय और यही रही अचार। यार क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। अम्मा अल्लाह तुझे जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन आमीन। सब मेरी अम्मा के लिए दुआ करें। और ये है मज़ेदार अचार, अम्मा की रेसिपी। खुशबू आ रही है इसमें से, अम्मा की, मेरी अम्मा की। याद कर रही थी मैं लास्ट ईयर से, इस साल खुद ही बना ली। अम्मा के हाथ वाला जायका तो अम्मा की बेटी के हाथों में होगा ना, किसी और में थोड़ी आएगा। ये रही मेरी चाय और इसको फिर से मिक्स करना है शाम के टाइम पे भी। देखो मैं कहाँ पे रखूँ जो ये दिखा रहे, मिक्स करना विदाउट शोइंग मी यहाँ से। चले जी इसको 2 दिन तक मिक्स करना है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम, दवाई वाला टाइम लिख लें भाई, 3 टाइम इसको मिक्स करना है। और 2 दिन के बाद ये अचार रेडी हो जाएगी, आप झटपट से खा सकते हैं। ये भाई इस तरह से मिक्स करना है भाई। चलें जी अचार इज रेडी। मैं ले आई हूँ अंदर घर में, घर के अंदर ले आई हूँ। 2 दिन हो चुके हैं, ये देखें। अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। भाई ये तजुर्बा है, तजुर्बा मैंने तजुर्बा किया है, बट आई एम कामयाब। बहुत मज़े की बनी है, खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, कमाल तो भाई मसाले का है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और रिश्तेदारों प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो यार, सारी वीडियोस तो देखते हो तुम लोग। ट्राई करना है मुझे ये वाली चीज़ ट्राई करनी है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी मज़ेदार, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। Thanks for watching. Subscribe for more. Like and follow.